Now, my next article is, I would describe how intensity of X-ray varies when it penetrates into any medium. देखिए, यहां कोई सॉलिड मीडियम है जिसकी की थिकनेस L है। यह इट मे बी मेड अप ऑफ वुड, इट मे बी ऑफ ग्लास, इट मे बी मेड अप ऑफ स्टील और इट मे बी एनी टाइप ऑफ मीडियम, किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है। इसमें एक्स रेस ट्रेवल करती हैं, उस एक्स रेस की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी हम यह समझ रहे हैं। देखिए, मैं इधर दिखाता हूं कि यह एक्स रे बीम है और इन एरो के बीच की स्पेसिंग के द्वारा मैं इंटेंसिटी के वेरिएशन को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप इन एरो के बीच की स्पेसिंग को ध्यान से देखिए, दे आर क्लोजली स्पेस्ड और इस क्लोज स्पेसिंग के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी अच्छी खासी इंटेंसिटी है। इनकी कुछ इंटेंसिटी है आई नॉट, आई नॉट इंटेंसिटी की यह लाइट बीम इंसिडेंटेड है। इधर या तो एयर हो या वैक्यूम हो, एयर या वैक्यूम में कोई एक्सरे की इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी वही की वही रहेगी। मतलब कि जब यह एक्सरे बीम इधर टकराएंगी तो उनकी इंटेंसिटी लगभग वही है जो इधर मैंने ड्रॉ कर रखी है। इधर से इधर तक इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी मींस देयर इज नो चेंज इन स्पेसिंग बिटवीन द एरोस। एरो के बीच की जो स्पेसिंग है मैंने रफली वही रखी है जो इनिशियली थी। यह इंटेंसिटी आई नॉट ही रही। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यह एक्सरे बीम जब इस मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करती है तो मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करने पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो रही है, उस कम होती हुई इंटेंसिटी को मैं किस तरह से डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। मैं एरो के बीच की स्पेसिंग को कम कर दे रहा हूं। एरो के बीच की स्पेसिंग कम हो जाना मतलब इंटेंसिटी थोड़ी कम हो चुकी है। फर्दर एक्सरे बीम और ट्रेवल कर रही है तो एरो के बीच की स्पेसिंग और कम कर दी मैंने, और बढ़ा दी। इनफैक्ट एरो की स्पेसिंग बढ़ा देना मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है। और फर्दर एक्सरेज जब ट्रेवल करी तो इंटेंसिटी और कम हो गई। इस तरह से जैसे जैसे एक्सरेज इस मीडियम में पेनिट्रेट करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और जब यह एक्सरे इस मीडियम से बाहर निकली तो इनकी कुछ इंटेंसिटी सब्सटेंशियल अमाउंट में कम हो गई और बाहर निकलने के बाद अब दोबारा यह एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करने लगी। अब इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं, बाहर निकलने वाली रेस की इंटेंसिटी आई। हम कहते हैं एक्स रेस जब किसी मीडियम में पेनिट्रेट करती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो पेनिट्रेशन के दौरान उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है।
और अब हम यह समझते हैं इन व्हाट मैनर हाउ दिस इंटेंसिटी डिक्रीजेस इन एनी मीडियम। मैं कहता हूं इस मीडियम के अंदर हम डीएल विड्थ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करें, डीएल विड्थ का इस जगह पर इंटेंसिटी आई है तो डीएल विड्थ ट्रेवल करने के बाद इंटेंसिटी डेफिनेटली आई माइनस डी आई होगी, इंटेंसिटी वुड डिक्रीज। हमने एक डीएल लेंथ की एक डिफरेंशियल स्ट्रिप इमेजिन करी, इस स्ट्रिप के पहले एक्सरे बीम की इंटेंसिटी आई और इस डीएल लेंथ के बाद इसकी कुछ इंटेंसिटी कम हो जाएगी और कम होकर उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई माइनस डी आई। हम कहते हैं डी आई इज द डिक्रीज इन इंटेंसिटी व्हेन एक्सरे बीम ट्रेवल्ड बाय डीएल डिस्टेंस। सिंस इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग तो डी आई नेगेटिव होएगा, इसके आगे एडिशनली माइनस साइन लगा दिया, डी आई बाय डीएल नेगेटिव होएगा। पहले तो ये लिख देता हूं डी आई बाय डीएल वुड बी नेगेटिव एंड दिस वुड बी इंटेंसिटी ग्रेडियंट, दिस इज इंटेंसिटी ग्रेडियंट एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ग्रेडियंट उतना ही अधिक होता है जितनी अधिक इंटेंसिटी होती है आई से, माइनस डी आई बाय डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और आई से माइनस डी आई बाय डी एल इज के इंटू आई। एक्सरे की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही तेजी से उसकी इंटेंसिटी कम भी होती है एंड डी आई माइनस डी आई बाय डी एल इज इक्वल टू के आई, हियर के इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, के इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ऑलरेडी आप इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को देख चुके हो, इसको सॉल्व करना भी जानते हो, इसी समय इसको सॉल्व कर दो और इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख दो। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में भी देख चुके हो, फटाफट इसे सॉल्व कर दो और एक्सप्रेशन को लिख दो। आई गिव यू 5 मिनट्स और इससे रिलेटेड आप कितने कंसेप्ट और लिख सकते हो वो भी लिख डालो। इनफैक्ट मैंने आपको इसलिए दिया बिकॉज इज अ फेमिलियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्लास में ऑलरेडी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिस्कस कर चुके हैं। डी आई अपॉन आई इज माइनस के डी एल एंड आई इंटीग्रेटेड ऑन बोथ द साइड्स, व्हेन एल इज जीरो आई इज आई नॉट, व्हेन एट एनी डिस्टेंस एल इंटेंसिटी डिक्रीजेस टू आई, दिस इज लॉन आई फ्रॉम आई नॉट टू आई माइनस के एल फ्रॉम जीरो टू एल, लॉन ऑफ आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एल और
I upon I naught equal to e to the power minus kx. Or I would conclude I is equal to I naught e to the power minus kl. Or I would write ln of I naught by I is equal to kl. हम l half introduce कर सकते हैं, l half, जैसे हमने t half introduce करा था. t half कैसे कहा था? It's a time during which the concentration reduces to half or the number of radioactive nuclei reduces to half. इधर हम l half define कर सकते हैं. l half कैसे define करेंगे? It's the length or it's the thickness over which intensity of x-ray reduces to half. L half would be ln 2 by k or 0.693 by k. एक बात बिल्कुल साफ हो गया, एक्स रेस की इंटेंसिटी जीरो तो कभी भी नहीं होगी. इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी ट्रेवल करती चाहे तो जीरो नहीं होगी, कम होती जाएगी. एक फिक्स लेंथ में उसकी इंटेंसिटी आधी होती जाएगी, मगर वो जीरो कभी नहीं होगी. One can always introduce such concept for the x-rays. एक बात सोचिए, x-ray का वर्किंग कैसे होता है? मैं इसे साफ कर दूंगा. यह कोई मटेरियल है, इट्स एक्सपोज्ड टू एक्सरे बीम. इस जगह पर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे, इस जगह पर हम फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं. एक्सरेस इधर इंसिडेंट की जा रही है, वह इस मटेरियल से पेनिट्रेट करती हुई इससे जब बाहर आएंगी तो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और उस एक्सरे बीम की इंटेंसिटी के कम होने से यह फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्कनिंग इफेक्ट आएगा. इस फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्कनिंग इफेक्ट आएगा. सपोज यह एक वुडन ब्लॉक है, यह एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक है, और इस लकड़ी के बने हुए ब्लॉक पर इधर एक्सरे इंसिडेंट की जा रही है, और वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करके कुछ इंटेंसिटी, इसकी आई नॉट इंटेंसिटी थी, और वुडन ब्लॉक एल लेंथ की पेनिट्रेट करके आई इंटेंसिटी की एक्सरे इधर आ रही है, और इधर फोटोग्राफिक प्लेट पर यह फोटोग्राफिक प्लेट को डार्केंड कर रही है. यदि वुडन ब्लॉक मैं किसी तरह का कोई भी एनामोली नहीं है, कोई भी कोई उसमें समस्या नहीं है, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर यूनिफॉर्म डार्कनिंग इफेक्ट होगा. यदि इधर कुछ भी वुडन ब्लॉक नॉर्मल है तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर यूनिफॉर्म डार्कनिंग इफेक्ट होगा. मगर यदि इसके बीच में इधर कोई एयर बबल आ जाता है, मान लीजिए इधर है यह एयर बबल,
अब यह एयर बबल कैसे दिखेगा हमें, समझो ध्यान से, इस जगह पर ट्रेवल करने वाली जो एक्सरे बीम है, वह एक्सरे बीम जब इस एयर बबल से पास करेगी तो वुडन ब्लॉक में तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, वुडन ब्लॉक में तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, मगर इस एयर बबल में उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी और उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होने से इस जगह पर इस एयर बबल के सामने ठीक इधर जो एक्सरे बीम ट्रेवल करेगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने से इस जगह पर एयर बबल वाली जगह पर फोटोग्राफिक प्लेट का डार्कनिंग इफेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। इधर जितना बड़ा एयर बबल है उतना ही बड़ा मोर डार्केंड आपको फोटोग्राफिक प्लेट दिखेगी। दिस इज मोर डार्केंड एरिया, दिस इज मोर इंटेंस एक्सरे बीम एयर बबल की वजह से। और मान लीजिए इस वुडन ब्लॉक में इस जगह पर एक स्टील की बुलेट है, स्टील की बनी हुई बुलेट, गोली, बंदूक की गोली है जो इस वुडन ब्लॉक के अंदर धंसी हुई है और यह गोली स्टील की बनी हुई है जो वुड के कंपैरिजन में काफी डेंस होती है और जो एक्स रे को उतनी आसानी से अलाउ नहीं करती है, जिसके अंदर एक्स रे की इंटेंसिटी तेजी से कम होती है। अब इस स्टील के बुलेट के आ जाने से जो एक्सरे बीम इधर ट्रेवल कर रही है, दैट एक्सरे बीम वुड बी ब्लॉक्ड बाय दिस वुडन बुलेट, स्टील बुलेट। इस स्टील बुलेट के द्वारा वह एक्सरे बीम ब्लॉक हो जाएगी और उसके ब्लॉक हो जाने से इस जगह पर एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस जगह पर दिस इज लेस इंटेंस एक्सरे बीम और इस जगह पर जब एक्सरे बीम लेस इंटेंस हो जाएगी तो इधर जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई है उस फोटोग्राफिक प्लेट पर इस जगह पर डार्कनिंग इफेक्ट नहीं होगा और डार्कनिंग इफेक्ट नहीं होने से इस जगह पर बुलेट की ही शेप में अनडार्केंड फोटोग्राफिक प्लेट दिखने लगेगी, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस जगह पर कोई हैवी डेंसिटी वाली चीज जो कि इस शेप की है वो रखी हुई है और जहां ज्यादा डार्क एंड दिख रहा है वहां हमें समझ में आ जाएगा कि वहां पर कोई एयर बबल है। इन दिस मैनर बाय द हेल्प ऑफ एक्स रेस वी यूज टू आइडेंटिफाई अ हिडन ऑब्जेक्ट।
बिल्कुल इसी तरह से आप एक्सरे फोटोग्राफ जब देखते हो, आप अपने हाथों का जब एक्सरे देखते हो, तो आपकी बोन्स जो कि एक्सरे को ब्लॉक कर देती है, एक्सरे को ब्लॉक कर देने की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट को डार्केन नहीं करती है, वो व्हाइट कलर की दिखती है और बाकी पूरी एक्सरे प्लेट आपको डार्क कलर की दिखती है एक्सरे। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सरेस। इसी के साथ यह एक्सरेस चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। इनफैक्ट जेई का मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस इसी के साथ में समाप्त हुआ। अब हमें AIEEE और बोर्ड के हिसाब से सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स उसे पढ़ना है, जिसे मैं इमीडिएटली अभी से ही स्टार्ट भी करवाऊंगा।